जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा की अगुवाई में जिलाधीश मंडी से मिले और उनसे एनएच 21 सुंदरनगर में मंडी की खस्ता हालत पर उन्हें खुद रिपेयर करने की अनुमति मांगी। जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि उन्होंने कई बार सड़क की खस्ता हालत का मुद्दा सरकार के ध्यान में लाया, पर ना तो सरकार ने और ना ही विभाग ने इस पर खस्ता हालत को सुधारने का कोई प्रयास किया और मंडी जिला से संबंधित मंत्री और विधायक भी खामोश हैं। वो सिर्फ अपने विरोधियों का उत्पीड़न करने व अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए व्यस्त हैं और मंत्रीगण अपने लिए सुविधा संपन्न गाड़ियों के लिए पसीना बहा रहे हैं और जनता को भाग्य भरोसे छोड़ रखा है। मंडी जिला की जनता अपने को लावारिस महसूस कर रही है। दीपक शर्मा ने कहा कि सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं की दयनीय स्थिति है और मंडी जिला के निवासी बाहर से आने वाले लोगों व पर्यटकों से शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री भी मंडी जिला से हैं, परंतु अभी तक उनका जो कार्यकाल रहा है वो बिल्कुल जनता की आशाओं के विपरीत ही रहा। कुछ दिन पहले उन्होंने सड़क की हालत का संज्ञान लिया था और निर्देश दिया था कि 10 दिनों के अंदर सड़क को एकदम दुरुस्त किया जाएगा, परंतु 10 दिन बीत जाने के बाद भी सड़क की हालात में रति भर भी सुधार नहीं आया है। इससे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है या मुख्यमंत्री में प्रशासनिक अनुभव का अभाव प्रतीत हो रहा है। दीपक शर्मा ने कहा कि इस सड़क की इस दयनीय स्थिति को देखकर मजबूरन जिला कांग्रेस कमेटी मंडी ने इस हालात का संज्ञान लिया है और अब जिला कांग्रेस कमेटी मंडी ने स्वयं ही इसकी रिपेयर करने का जिम्मा उठाने का निर्णय लिया है। दीपक शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 10 दिन दिए थे जो कब के खत्म हो गए हैं। हम उन्हें 10 के बजाय 20 दिन देते हैं। अगर 20 दिन तक या 14 अक्टूबर तक सड़क दुरुस्त नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी खुद 15 सितंबर से सड़क की रिपेयर का काम शुरू कर देगी। दीपक शर्मा ने कहा कि आज भाजपा के शासनकाल में पेट्रोल की महंगाई और गड्ढों की गहराई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे कि जनता आहत होकर आज रिपेयर की अनुमति लेने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी मंडी का प्रतिनिधि मंडल जिलाधीश मंडी से मिला। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गुलजार भारती, महासचिव जोगिंदर गुलेरिया, ब्लॉक अध्यक्ष दर्शन ठाकुर, सरला दिवेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। मंडी और सुंदरनगर के बीच में जो सड़क की हालत है वो जब जाहिर है और हमने इस मुद्दे को कई बार प्रशासन के पास, कई बार सरकार के पास उठाया, पर उस पर हमें नहीं लगता कि कोई अमल हुआ, जबकि मुख्यमंत्री साहब ने भी घोषणा करी थी कि 10 दिनों के अंदर अंदर इस सड़क को ठीक किया जाएगा, पर हालत बद से बदतर हो जा रही है। एक तरफ जहां पेट्रोल के दामों में महंगाई ऊपर की तरफ जा रही है, वहीं गड्ढों की गहराई नीचे की तरफ जा रही है। और अब जिला कांग्रेस कमेटी, आज हमने एडीसी साहब के माध्यम से हमने उनसे अनुमति चाही कि हम जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और जो आम लोग हैं वहां, जो एडजॉइनिंग जो स्थानीय जो लोग हैं, उनकी मदद से, उनकी सहायता से हम खुद उस गड्ढे को भरने के लिए अनुमति चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वहां पे हम शर्मिंदा महसूस ना करें, क्योंकि हमको पर्यटकों से और मंडी से बाहर से आने वाले लोगों से एक शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो जिला कांग्रेस कमेटी ने आज इनके एडीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा कि हमको परमिशन दी जाए उन गड्ढों को भरने की और सड़क को समतल बनाने, और इसमें हमने इनको 10 दिनों का टाइम दिया हुआ है, और अगर 10 दिनों के अंदर अंदर अगर प्रशासन ने, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो 15 तारीख से जिला कांग्रेस कमेटी खुद उन गड्ढों को भरने का काम करेगी।